साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा, मां ने कहा नहीं, तुम्हारी दो मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है। और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना, इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, दो तीन लोगों की सरकार वो पूरी तरीके से चलाएंगे। दो तीन और चीजें होंगी, जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 अरब पतियों का कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। और सच्चाई यह है कि आज 22 लोगों के पास उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतना अन्याय हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री सारी की सारी पकड़ा दी, किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, गरीबों से छीना, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। और आप देखो, मैंने मीडिया के मित्र कहा था, मगर भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले हमारे आपके मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, ये मीडिया के स्ट्रिंगर्स हैं, ये भी समझते हैं, इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं, तो ये करते हैं, इनकी गलती नहीं है।
मगर लगाम इनकी अदानी जी के अंबानी जी के हाथ में है, जो वो कहते हैं ये करते हैं। आप देखिए रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, एफडीडीआई, ये सब हमने किया, हाईवेज बनाई, मगर मीडिया आपको ये कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं बताएगा। भाइयों और बहनों, कभी किसी किसान को आपने मीडिया में देखा है? कभी देखा? कभी किसी बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देके देते हुए देखा आपने? कभी मजदूर की बात करी इन्होंने? अंबानी की शादी देखी, 10 करोड़ की घड़ी, लाखों रुपए का ड्रेस देखा? तो ये भाइयों और बहनों हमारे नहीं है, ये अदानी के, अंबानी के, मोदी के। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा ये दिखाएंगे, मगर किसानों की, मजदूरों की बात ये कभी नहीं करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, हमने मन बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं और 22 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। अब आप कहोगे राहुल गांधी क्या कह रहा है, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग होंगे, इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा, इनसाइड। आप सोचो 1 तारीख को जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। अब महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, बता देता हूं, शायद हमारे यहां भाई हैं, पुरुष हैं, आपको अच्छा ना लगे मगर कहना पड़ेगा, बता दूं या नहीं बताऊं? बता देता हूं। तो देखिए, हमारे भाई मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। 21वीं सदी में महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, जो आप करते हो वो भी करती हैं, उनको सैलरी मिलती है? मिलती है, मिलती है ना? ठीक है, तो 10 घंटे घर के बाहर आप काम करते हो, 10 घंटे वो भी करती हैं, मगर फिर जब आप घर आते हो, महिलाएं 8-10 घंटे घर में काम करती हैं। करती है नहीं करती है? हाँ, इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया साल का जा रहा है। मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर आपके हाथ वो पैसा आ जाएगा, तो सबका फायदा होने जा रहा है। अब किसानों के लिए नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लाए,
देश के सारे किसान सड़क पे आ गए, धरना की। 70 किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। बोला ना, तो किसानों को नरेंद्र मोदी आतंकवादी कहता है। किसान सिर्फ दो चीज मांग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हजारों किसानों से मैंने पूछा कि भैया क्या चाहिए आपको, 10-12 बात मत बताओ, बस 2-3 बात बताओ। किसानों ने कहा राहुल जी आप क्या कह रहे हो, हमें 10-12 चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। मैंने कहा क्या, कहते हैं देखिए राहुल जी, सबसे पहले अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, वो बैंक में जाते हैं लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं हमें मार के भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं, और हमारा कर्जा कभी भी माफ नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा याद करिए, यूपीए के सरकार में 72,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया था, और सारे के सारे कहते हैं हां राहुल जी ये तो सच है।